हम आज कहां हैं। अगर हम जितने भी ये जो प्रगति के सूचकांक है विश्व के, उन पे अगर हम देखें, इंडेक्सेस जो होते हैं, हमारा स्तर कहां पे है, हम 100 के नीचे आते हैं ज्यादातर इंडेक्सेस में। कोई भी इंडेक्स उठा लीजिए, चाहे शिक्षा का, चाहे रोजगार का, चाहे स्वास्थ्य का, कोई भी उठा लीजिए। तो सिचुएशन वाकई में बहुत खराब है, स्थिति बड़ी भयावह है। और जब हम बेरोजगारी का शब्द ही इतना भयावह है, क्योंकि मेरे पास तो, क्योंकि मैं नौकरी में था, मेरे पास इतने लोग आते थे, मेरे बच्चे को नौकरी लगवा दो, कहीं पे भी लगवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, क्या करें, कैसे करें। 2008 में विश्व में एक रिसेशन आई थी, अमेरिका से शुरू हुई थी। उस वक्त अमेरिका के अंदर बेरोजगारी की दर लगभग 8% चली गई थी और विकास दर नेगेटिव हो गई थी। हमारे यहाँ पे पिछले 4 सालों में लगातार विकास दर जो है अर्थव्यवस्था की 7% के ऊपर है, पर इसके बावजूद रोजगार बेरोजगारी जो है वो 8% के लगभग है। पीआई जोश जी ने बताया 7% से ऊपर है, वो 8% के लगभग है। और जैसे कि प्रोफेसर साहब ने बताया, अगर हम सिर्फ उसमें एजुकेटेड लोगों को ले लें, शिक्षित लोगों को ले लें, तो ये तो और भी स्थिति भयावह है, ये 20% के ऊपर है। आपको याद होगा पिछले साल रेलवे की 90,000 नौकरियां निकली थी, उनके लिए 2,80,00,000 एप्लीकेशन आई थी, 2,80,00,000। और उस पर कल ही हमारे माननीय मंत्रियों जी का, प्रकाश जावड़ेकर जी और ये पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आई है कि ये बेरोजगारी को नहीं दर्शाता है। उनका ये मानना है कि सरकारी नौकरियां सुरक्षित नौकरियां हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी है, उसमें सुरक्षा है, स्वास्थ्य का वो फायदा है, परमानेंट नौकरी है, इसलिए हर एक व्यक्ति, हर एक लड़का, जवान जो भी हो, वो सब चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, इसलिए जो दूसरे रोजगारों में लगे वो भी अप्लाई कर देते हैं। तो ठीक है, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं, किसी मजबूरी में कर रहे हैं, वो क्या मजबूरी है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का नाम एमडी जी सुना होगा आपने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो निर्धारित किए थे, उसमें रोजगार से संबंधित भी एक गोल है, वो क्या है, डिग्निफाइड रोजगार। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी बात करता है, वो क्या है, ये डिग्निफाइड रोजगार क्या है, ये वो रोजगार है जिसमें एक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी आकांक्षाओं के अनुसार ऐसा रोजगार मिले जिसमें वो अपना जीवन यापन सही तरीके से कर सके, अपने भविष्य की भी चिंता कर सके और अपने परिवार का पालन कर सके, बच्चों का शिक्षण कर सके, ये सब चीजें होती है। पर जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया, जैसे पीआई जोश जी ने बताया, मिनिमम वेजेस कितनी है और वो भी नहीं मिलती है। मुझे याद है, मैं जब पहली बार लेबर कमिश्नर कम सेक्रेटरी लेबर बना था 2001 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था इसमें, इंडियन एयरलाइंस के केस में, पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के केस में, कि जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं ये प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके चलते ये होता था, बैकडोर एंट्री होती थी वर्कर्स की पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस में, और ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी को धता बताते हुए, और उसके बाद उनको एब्जॉर्ब कर दिया जाता था। तो ऐसे पीएसयू के अंदर भरमार हो गई थी वर्कर्स की। तो इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया गई और सुप्रीम कोर्ट ने अपना पुराना जजमेंट बदल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब समझते हैं आप, इसका मतलब यह हो गया कि अगर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर ने कॉन्ट्रैक्टर को हटा दिया तो उन वर्कर्स का कोई लेना देना नहीं है उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के साथ, और वो कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर वो उनको दोबारा कहीं के लगा रहा है या नहीं लगा रहा। तो इमीडिएटली उस वक्त इंडस्ट्री के अंदर बहुत खुशी की लहर दौड़ गई और एक सेमिनार का आयोजन किया गया यहाँ पे पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जिसके अंदर भारत सरकार के सेक्रेटरी विनोद वैश्य, सेक्रेटरी लेबर,
और जितनी ट्रेड यूनियन है पूरे देश की, इंटक है, ये हिंद मजदूर और इन सब के जो नेशनल लीडर्स थे, और मुझे भी बुलाया गया, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे थे। तो पहले ट्रेड यूनियन लीडर्स बोले, उसके बाद पहले इंडस्ट्री वाले बोल गए, ट्रेड यूनियन लीडर्स बोल गए, फिर मेरे को बुलाया गया कि हम सरकार का वर्जन सुनेंगे। मैं खड़ा हूं, मैंने कहा मैं तो दिल्ली सरकार में सेक्रेटरी लेबर हूं, दिल्ली सरकार तो जो भारत सरकार के कानून है उनको पालन करती है, तो मुझे, मैं अपना पर्सनल व्यू बताता हूं, बाकी अगर क्योंकि भारत सरकार का अगर व्यू सुनना है तो विनोद वैश्य साहब बैठे हैं वो बताएंगे। तो मैंने सामने जो बैठे थे सारे उनको मैंने ये कहा, आप ये समझ रहे हो कि हायर एंड फायर पॉलिसी आ गई और बड़े खुश हैं, मिनिमम वेज जो था 3,000 रुपया थी। मैंने कहा एक वर्कर जिसको 3,000 रुपया मिलता है उसके, उस 3,000 रुपए से उसको खाना पीना कपड़ा किराया मकान का आने जाने का खर्चा बिजली पानी बीमार हो गया तो इलाज और बच्चों की शिक्षा ये सब देखना है, और उसके बाद आप ये कहते हो कि उसको भविष्य की सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, और आप लोग 30,000 रुपया एक डिनर पे 5-star होटल में खर्च कर देते हो, और आप सामने बैठे हो, आप में से कितने लोग मिनिमम वेजेस देते हैं अपनी फैक्ट्री में। मैंने पूछा सीधा उनसे, मैंने कहा इस देश में हायर एंड फायर पॉलिसी ऐसे नहीं आ सकती जब तक हमारे पास एक फूल प्रूफ सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं हो। मुझे याद है 1988 में जब मैं आईएएस में आया था मसूरी में, हमारी ट्रेनिंग के दरमियान मॉन्टेन सिंह अहलूवालिया अर्थशास्त्री विदेशों से पढ़े हुए वर्ल्ड बैंक में काम किए हुए आए थे हमको भाषण देने के लिए, किस विषय पे, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन जो हो रहा था उसके ऊपर। उस वक्त तक नरसिम्हा राव जी नहीं आए थे, आपको बता दूं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू हो चुका था राजीव गांधी जी के टाइम पे, बल्कि इंदिरा गांधी जब 1980 में आएगी तब थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था। तो उन्होंने जब ये कंपटीशन और ये सारा अर्थव्यवस्था को खोलने की बातें कही तो मैंने उनसे एक सवाल किया, मैंने कहा इकोनॉमिक्स में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, परफेक्ट कंपटीशन की जब आप बात करते हैं तो उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको पूरा करना जरूरी है। वो कंडीशंस क्या है? एक है फ्री एग्जिट और फ्री एंट्री, यानी कोई भी आके अपनी फैक्ट्री लगा सकता है, पर उसके साथ एक और कंडीशन है फ्री एग्जिट की, कि अगर फैक्ट्री नहीं चल रही है तो उसको बंद करने की परमिशन भी मिलनी चाहिए ताकि जो अर्थव्यवस्था में हमारे रिसोर्सेस हैं खराब ना हो। होता क्या है, फैक्ट्री लगी, उस फैक्ट्री के अंदर बिल्डिंग बनती है, शेड बनता है, जमीन पे पैसा लगता है, सब कुछ है जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट हो गया। अब सनराइज सेक्टर है, नया सेक्टर है, उसके अंदर अच्छा काम हो रहा है, अच्छा कमा रहे हैं, चल रही है कंपनी। बाद में जब सनसेट होने लगता है, नई चीजें आ जाती हैं, वो चीज पुरानी पड़ गई, तो उसमें क्या होता है, उसको बंद हो जाना पड़ता है फैक्ट्री को। अब वो फैक्ट्री बंद हो गई तो वो जो रिसोर्सेज उसमें लगे हुए थे, जो संसाधन लगे हुए थे, बिल्डिंग है, शेड है, तो जमीन है, मशीनरी है, वो बेकार हो जाती है। तो कैपिटलिज्म की एक खासियत यही थी, जो एक कम्युनिज्म के अंदर जो स्टेट डिसाइड करती थी इतना 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 इन्वेस्टमेंट रहेगा, उसमें ये शिफ्ट नहीं हो सकते थे। कैपिटलिज्म की एक खासियत यही थी पूंजीवाद की, कि अगर चल नहीं रही है कंपनी वो बंद हो जाएगी, और वही रिसोर्सेज वही संसाधन किसी दूसरा कोई खरीद लेगा, दूसरी चीज चालू कर देगा। तो वो जो है प्री एग्जिट की पॉलिसी। मैंने कहा प्री एग्जिट कहां है, मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया जी, मैंने सवाल किया था 1988 में, तो वो बोले थे कि दिया मतलब हम सोच रहे हैं समय के साथ एक पॉलिसी लेके आ जाएंगे। वो पॉलिसी आज तक नहीं आई है, 30 साल हो गए इस बात को, और वो पॉलिसी आ भी नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो पॉलिसी तभी आ सकती है जब आपके यहां पे एक पूरा सुरक्षा कवच हो वर्कर्स के लिए, और वो सुरक्षा कवच अभी तक नहीं है। कल ही अखबार में खबर थी, भारत सरकार इस पे विचार कर रही है कि असंगठित क्षेत्रों का एक व्यापक सर्वे किया जाए कि उनमें सुरक्षा की क्या आवश्यकता है, सामाजिक सुरक्षा। तो उस दिन सेमिनार में पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स में 2001 में मैंने उसमें एक रोड मैप दिया था। मैंने कहा था ये सोशल सिक्योरिटी सिस्टम हम ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं। मैंने उसमें ये कहा था कि ये जितनी भी सब्सिडीज हैं ये सारी, ये सब खत्म कर दीजिए, और परमानेंट एक आईडी प्रूफ हर एक वर्कर को दिया जाए
जो अभी ये यूआईडी चल रही है ना, ये 2001 में मैंने सब बोला था, एक यूनिक आईडी हर व्यक्ति को जो काम के लायक है उसको मिलनी चाहिए। और ये जो ESIC और ये जो ये EPF इत्यादि इत्यादि ये सब भ्रष्टाचार के अड्डे बना दिए हैं, इनको सुधार करिए, इनको खत्म करिए। और जो कानून है 36 लेबर कानून बने हुए थे श्रम, दो तीन दर्जन से ज्यादा, इनको आप रिफॉर्म्स करके 3 कानूनों में ले आइए। एक जिसमें जो कॉन्ट्रैक्चुअल जो चीजें होती वो आ जाए, एक जिसमें वर्क प्लेस जहां पे काम है वहां की सुरक्षा वाली चीजें आ जाए, एक जहां पे वेजिस और ये नेगोशिएशन जो सैलरीज वगैरह का, वो ये 3 कानून बन जाए। ये उस 2001 में बोला था, अब चल रही है बातें, ये 3 अब ये 3 कोर तैयार किए हैं और चौथा इन्होंने सुरक्षा के ऊपर बनाया है, सामाजिक सुरक्षा के ऊपर। तो मैंने ये कहा था उस वक्त 1% सेस रेवेन्यू पे लगा दीजिए हर एक कंपनी में, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है पूरे देश में उस पे 1% या 0.5% आप सेस लगा दीजिए। जैसे टोटल अगर हमारी इकोनॉमी है आज की तारीख में मान लीजिए 80 लाख करोड़ की है, उसके ऊपर अगर 1% सेस लग जाए 80 लाख करोड़ पे कितना आ जाएगा? 80,000 करोड़ नहीं है, 8 लाख करोड़। 8 लाख करोड़ रुपया एक साल में एक सोशल सिक्योरिटी फंड बना दो, उसमें आ जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीधा ही कवर कर सकता है, रिकवर कर सकता है। साइमल्टेनियसली मैंने ये कहा था हर एक एम्प्लॉयर का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कीजिए, उसकी भी एक UID बने, और उसके बाद एक हम अपना इंट्रानेट बनाए पूरे देश का कंप्यूटराइज गवर्नेंस वाला, जिसमें हर एक एम्प्लॉयर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे ऑनलाइन कि मैंने फलां UID वाले वर्कर को फलां जॉब कोड के अगेंस्ट इस तारीख से इतनी तनख्वाह पे रखा है। और इसके लिए मैंने कहा था कि ये जो एक कानून है कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज टू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस एक्ट, इसको चेंज कर दीजिए, इसको कर दीजिए कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू द गवर्नमेंट एक्ट, ताकि हर एक एम्प्लॉयर, चाहे घर के अंदर भी मैंने किसी वर्कर को लगा रखा है, घर में अपने सफाई कर्मचारी को लगा रखा है, या किसी घर में मैंने एक मेड को लगा रखा है, घर में मैंने माली को लगा रखा है, तो मैं चाहे कोई सरकारी अफसर हो चाहे कोई भी हो, वो भी गवर्नमेंट को इत्तला देगा कि मैंने फला फला आईडी UID वाले वर्कर को फला जॉब कोड के अगेंस्ट में रखा हुआ है। और इसके साथ हर वर्कर को एक रजिस्टर दे दिया जाए, सर्विस बुक। और जो ये पूरा का पूरा लेबर डिपार्टमेंट का जो स्टाफ है, इसका काम सिर्फ ये रहे कि वो इनकी चेकिंग करता रहे कि वो सर्विस बुक के अंदर रिकॉर्ड है या नहीं, बस। कंप्यूटर अपने आप साल के एंड में डिसाइड करेगा, एल्गोरिथम बन जाती है कि किस आदमी ने साल में कितना काम किया, कितनी उसकी आमदनी हुई, और एक लिमिट के नीचे जो सारे आ रहे हैं उनकी एक सोशल एंटाइटलमेंट उसके अकाउंट में अपने आप डायरेक्टली चला जाएगा। और कहां से जाएगा? सोशल सिक्योरिटी फंड से। और मैंने साथ में यह भी कहा था कि जितनी भी स्कीम्स हैं सब्सिडीज की, ये खत्म करके जो पैसा बचेगा ये भी उसी फंड में डाल दो। करीब 3-4 लाख करोड़ पूरे देश में खर्च होता है सालाना ये जो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम के नाम पे, या फूड सब्सिडी के नाम पे, या ये ऑयल सब्सिडी के नाम पे, गैस सब्सिडी के नाम पे, जितने भी हैं ये सब, ये 3-4 लाख करोड़ प्लस ये 8 लाख करोड़ 12 लाख करोड़ साल के हो गए एक साथ। ये पैसा आप इस्तेमाल कीजिए पूरे देश में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम लाने के लिए। तो एक ये मैंने एक रोड मैप दिया था, सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स जो उस दिन सारे एग्री कर रहे थे मेरे इसके साथ, अनफॉर्चुनेटली बीच में फिर बाद में ये दूसरा सिस्टम आ गया, ये हमारे मॉन्टेक सिंह अहलूवालिया जी और नंदन नलिकेनी ने एक रैंडम नंबर निकाल के ये UID वाले ले आए। ये खैर बहुत दूसरी डिटेल की चीजें हैं, पर मेरा कहना ये है अभी तक 1990 में मार्केट खोली थी, इकोनॉमी को खोला था नरसिम्हा राव जी ने, उसके बाद से अब तक जो काम होना चाहिए था ये नहीं हुआ। अब ये रोजगार की जब बात आती है, जब भारत आजाद हुआ उसके बाद से अब तक 60 के दशक से लेके लगभग 80 के दशक तक ये जो 30 साल हमने बर्बाद किए हैं, वो जो छद्म समाजवाद के नाम पे हमने जो पूरा बेड़ा गर्क किया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, हर चीज के ऊपर कंट्रोल्स, हर चीज के ऊपर कंट्रोल्स,
लाइसेंसेस, परमिट और करप्शन। हमने पूंजीवाद जो है प्योर पूंजीवाद नहीं डेवलप किया था हमारे यहाँ पे। हमारे यहाँ पे एक फ्यूडल सामंती सामंतवादी पूंजीवाद और क्रोनी कैपिटलिज्म डेवलप हुआ, और उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से पिछड़ गए। हर देश, विकसित देश एग्रीकल्चर से जो सरप्लस है उसको उन्होंने इंडस्ट्री में इन्वेस्ट किया, इंडस्ट्री से फिर वो सर्विस सेक्टर की तरफ गए। ये पूरी कहानी है विकास की, वेस्टर्न कंट्रीज की, अमेरिका की, सबकी, चाइना की भी। एक हमारा देश है, हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर से सीधा हम मैन्युफैक्चरिंग को छलांग लगाते हुए सीधा सर्विस सेक्टर में चले गए। अब सर्विस सेक्टर कोई बुराई नहीं है, इसका फायदा हमें मिला आईटी सेक्टर में, पर पॉइंट ये है सर्विस सेक्टर में रोजगार के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि जो नौजवान पीढ़ी है उसको आप शिक्षा उस टाइप की दे पा रहे हैं। आज टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की बात हो रही है, आपको पता है टेस्ला ने जो कार बनाई है ऑटोनॉमस कार, ये क्या है, बगैर ड्राइवर के चलेगी। अगले 10 सालों के अंदर पूरी की पूरी स्थिति बदल जाएगी वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, ड्राइवर नहीं रहेंगे। कारें जो हैं अपना, आप मोबाइल है, मोबाइल पे आपने गाड़ी मंगाई, खड़े हैं सड़क पे, आपने गाड़ी मंगाई, गाड़ी आ गई, चुपचाप खड़ी हो जाएगी गाड़ी, आप उसमें बैठ जाएंगे, जहां पे जाना है वहां पे गाड़ी उतर जाएगी, आप पेमेंट कर दोगे, ऑनलाइन पेमेंट कर दोगे और आप निकल जाओगे। बैंकिंग सेक्टर के अंदर क्या होने वाला है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई है, P2P लेंडिंग सिस्टम आ गया है, यानी कि पर्सन टू पर्सन, बिजनेस टू बिजनेस, ये एक लेंडिंग सिस्टम प्लस फिनटेक टेक्नोलॉजी, ये सब के सब जो हैं, इन सब के अंदर कोई ह्यूमन ही तो ये सब के सब जो हैं, इनमें ह्यूमन इंटरफेस की जरूरत नहीं है। तो आने वाले टाइम में होना क्या है, ये बैंक की ब्रांचेस की जरूरत नहीं रहेगी, हो सकता है बैंकों की भी जरूरत ना रहे। ऐसे ही ये टेलीकम्युनिकेशन में अभी तो बहुत जॉब्स हैं, लाखों जॉब्स हैं, आने वाले वक्त में हो सकता है इनमें भी जॉब्स खत्म हो जाएं। तो स्थिति तो बहुत ही ज्यादा भयावह होती जा रही है और ज्यादा हो जाएगी। और कहने के लिए हमारे यहाँ पे जो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनकी एम्प्लॉयबिलिटी बिल्कुल नहीं है। आपको पता है इंजीनियर जो पास होकर निकलते हैं मुश्किल से 20% जो है वो जॉब करने लायक होते हैं। और इस सब के ऊपर एजुकेशन का हाल क्या है, अभी एसर की रिपोर्ट आई, एएसईआर रिपोर्ट आई है ना अभी परसों, एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिसर्च। मैंने पिछले साल आपके यहाँ पे भाषण दिया था नेशनलाइजेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन पे, उसमें मैंने इसका डेटा दिया था, अभी फिर वही डेटा आया है। अब आठवीं पास बच्चे जो आपके तीसरी की चौथी की किताब नहीं पढ़ सकते, तीसरी का एक लाइन नहीं लिख सकते, घटा जमा के सवाल नहीं कर सकते, उनसे अब क्या उम्मीद कर रहे हैं। कहने के लिए तो एनरोलमेंट बहुत अच्छा है स्कूलों के अंदर, लगभग 90% से ऊपर लोग जा रहे हैं बच्चे, पर उसके बाद फाइनली हायर एजुकेशन तक जाते जाते कितने बचते हैं। ये तो चली गई, हेलो, हाँ, तो जो हायर एजुकेशन पे जो बच्चे पहुंचते हैं मुश्किल से 7-8%। तो एक तरफ आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं लेबर मार्केट में आने वाले वक्त में, वो रिक्वायरमेंट देखिए तीन है, जैसे उन्होंने पिरामिड बताया था ऐसे इसका भी एक पिरामिड है। टॉप लेवल पे हाईली क्वालिफाइड जॉब्स हैं, सबसे नीचे है एकदम वो जो मीनियल जॉब्स हैं, डिलीवरी बॉयज, पिज्जा डिलीवर करने वाला या चौकीदारी करने वाला, इस टाइप के सारे। और बीच में जो है वो थोड़ी मैनेजीरियल पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है, अकाउंटेंट्स की हैं, ये सब। अब आने वाले टाइम में क्या जो बीच वाली पोस्ट है ये रिडुडेंट होने वाली है, खत्म होने वाली है। आपको पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अमेरिका के अंदर वकीलों का धंधा चौपट हो गया। जो साहब गुर्जर साहब, अमेरिका में वकीलों का धंधा चौपट हो गया है। वहां पे अगर कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है,
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सॉफ्टवेयर उसको मात्र 20% कम टाइम में, मतलब जो वकील लोग 4-5 मिलके जो टाइम लेते हैं उसके 10% टाइम में ही बना देता है, और उसमें गलती की संभावनाएं उनके मुकाबले बहुत ही कम होती है। और यही चीज बाकी चीजों में भी आने वाली है। तो ऐसे में हमारे देश का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। ये स्थिति बहुत खतरनाक है, और ये एक हम आमंत्रण दे रहे हैं। हम बात करते रहते थे डेमोग्राफिक डिविडेंड की, डेमोग्राफिक डिविडेंड की। मैं 10 साल पहले गुड़गांव में आईसीआईसीआई, ये जो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। तब मैंने बोला डेमोग्राफिक डिविडेंड के ऊपर ही बात हो रही थी, मैंने यही बोला था आप जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात कर रहे हैं उसकी क्वालिटी की तो बात करिए, वो किस लायक है। मेजॉरिटी उसके अंदर जो है 12वीं पास भी नहीं है, जो 12वीं पास है उनके, और ये जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं उनका हाल क्या है, जो पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन ले रखे हैं उनका हाल क्या है, उनकी क्वालिटीज क्या है, हमने एकदम बेड़ा गर्क कर दिया है। और इस सब के पीछे एक सोची समझी साजिश है। वो साजिश क्या है, पता है कि मेजॉरिटी जो है SC ST OBC बहुजनों की है, माइनॉरिटीज और बहुजन, जबकि शिक्षा, जैसे प्रोफेसर साहब ने बताया था, शिक्षा पूंजी और संसाधन इनके ऊपर अधिकार है 10-15% जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, उनमें भी मात्र 1-2% है जिन्होंने पूरी वेल्थ के ऊपर कब्जा किया हुआ है। 90 में नरसिम्हा राव जी ने अर्थव्यवस्था को खोला था, उस वक्त जो टॉप के 1% लोग हैं जिनके पास संपत्ति, पूरे देश की संपदा का लगभग 1/3 हिस्सा था, आज 28 साल बाद उनकी संपदा का हिस्सा कितना हो गया आपको पता है? 70% से ऊपर, 70% से ऊपर। अब अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? अर्थव्यवस्था चलती है जब डिमांड हो। डिमांड कहां से आती है? डिमांड तब आती है जब परचेजिंग पावर हो। परचेजिंग पावर कब आती है? जब रोजगार हो। एक पूरा चक्र है, ये पूरा चक्र है। पर जो परचेजिंग पावर ही पूरी की पूरी लोगों के हाथ से खींच के ऊपर के कुछ लोगों के हाथ में इकट्ठी कर दी जाए, वो खा के कितना खा लेगा? फिर मुकेश अंबानी जैसा 700 करोड़ शादी पे ही खर्च करेगा? वो कहां खर्च करेंगे? वो करेंगे खर्च पूंजी में, कैपिटल में। कैपिटल आउटपुट रेशो की बात की, हमारे देश के अंदर कैपिटल आउटपुट रेशो यानी कि एक यूनिट प्रोडक्शन पैदा करने के लिए पूंजी कितनी लगानी है। अगर लेबर इंटेंसिव है तो पूंजी कम चाहिए, लेबर इंटेंसिव नहीं है तो पूंजी ज्यादा चाहिए। हमारे यहां पे हिस्टोरिकली 4 से ज्यादा रहा है ये रेशो। क्यों रहा है वो? इसीलिए क्योंकि पूंजी की बहुतायत थी, अब जिंदगी के लोगों के हाथ में थी, और उनको पता है कि पूंजी के इस्तेमाल से हम और ज्यादा पैसा पूंजी इकट्ठा कर सकते हैं। इसके पीछे एक दूसरा भी कारण है, लेबर लॉस की जो मैं बात कर रहा था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, जो एग्जिट पॉलिसी की बात कर रहा था, उसके अंदर एक प्रावधान किया हुआ था कि अगर 100 से ऊपर वर्कर लगा रखे हैं किसी यूनिट में तो वो यूनिट बंद नहीं कर सकता, चाहे वो घाटे में चल रही हो, चाहे मालिक का दिवाला निकल गया हो, पर वो कंपनी बंद नहीं कर सकता, वर्कर्स को नहीं हटा सकता। प्रोविजन है उसमें, वो परमिशन लेनी पड़ेगी, पर परमिशन किसी ने मांगी नहीं, जब मांगी नहीं तो किसी ने दी नहीं, और ये एक बहाना बन गया इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पूंजीपतियों के लिए, पूंजीवादियों के लिए, कि हम ऐसी यूनिट खड़ी करें जहां पे कम से कम वर्कर्स की जरूरत हो। और वो आज बढ़ते बढ़ते ये हालत हो गई है, पूरा का पूरा कैपिटल इंटेंसिव हो गया है। इंडस्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग जहां है भी, वो सारी की सारी कैपिटल इंटेंसिव हो गई है। इवन जहां पे लेबर इंटेंसिव होना चाहिए था, फैब्रिकेशन, गारमेंट्स में एक्सपोर्ट्स जो हो रहे हैं, लेदर एक्सपोर्ट्स, इस टाइप की चीजें हैं, वहां पे भी कंपटीशन के नाम पे, और ये सारा जो पूरा मैकेनाइजेशन हो रहा है, और साथ में एक और काम किया उन्होंने, वो छोटी छोटी यूनिट लगाने लग गए हैं। वो क्या करते हैं, एक आदमी को पैसा पकड़ा, एक फैक्ट्री लगाई, उसमें 80 वर्कर्स रखे, 90 वर्कर्स रखे, और वहां पे अपने एक आदमी को खड़ा कर दिया, उसका मालिक दिखा के, और अपनी बुक्स में उसको दिखा देते कॉन्ट्रैक्टर हमारा,
लेबर लॉज का वायलेशन भी करते हैं, और मतलब ये सिस्टम ऐसा बना दिया गया पिछले 70-80 सालों के अंदर, जिसके अंदर कोई आदमी कोई उद्यमी तरीके से काम नहीं कर सकता, और इसीलिए हमारे यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप ही नहीं हो पाए। हमारे यहाँ पे सामंतवादी एंटरप्रेन्योरशिप रही, जो ऑलरेडी संभ्रांत वर्ग था, जो सामंत वर्ग था वही पूंजीपति वर्ग बन गया, और साथ में उसने फिर वो क्रोनी कैपिटलिज्म बन गया। अदरवाइज एक स्टार्टअप अगर सक्सेसफुल हो जाए वो लाखों लोगों को रोजगार दे सकता है। एक ही एग्जांपल है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। इसको अनेक जो मुकेश अंबानी जी के पिताजी को, अंबानी जी को, वो धीरू भाई अंबानी को कितना लोन दिया था, करीब 30,000 रुपया कुछ लाख रुपया दिया था ये ICICI के चेयरमैन ने उस वक्त किसी जमाने में 70 के दशक में, और उसका इस्तेमाल करते हुए उसने, पर वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से था, वो उसी संभ्रांत जाति व्यवस्था से था जिसमें उसको पूरी सपोर्ट मिल सकती थी, वो सक्सेसफुल हो गया और उसने लाखों लाखों लोगों को बना दिया। पर इसके बाद भी ऐसा स्टार्टअप आया इंफोसिस। इंफोसिस जो आया वो अपनी काबिलियत से आया, वो इस संभ्रांत वर्ग का हिस्सा नहीं था पूंजीपति वर्ग का, पर उन्होंने भी लाखों लोगों को रोजगार दे रखा है। तो ऐसा हमने इकोसिस्टम नहीं बनाया हमारे देश में पॉलिसी मेकर्स ने जानबूझ के, जिसमें इस तरीके के स्टार्टअप्स आए, खूब आए। भाई 1,00,000 आएंगे तो हो सकता है उनमें से 50 सक्सेसफुल हो जाए, 50 भी सक्सेसफुल हो जाए और 5-5 लाख लोगों को रोजगार दे दे तो 25 लाख हो जाए, 2.5 करोड़ लोग हो जाते हैं। ऐसा हो सकता था हमारे देश में, पर होने नहीं दिया गया। आज भी आज ही के अखबार में या इंडियन एक्सप्रेस आप देखिए, उसके अंदर ये एक आर्टिकल आया है टीम लीफ, ये जो है ना ये थिंक टैंक उनका, ये है मनीष तबरवाल का, डायग्नोजिंग द जॉब क्राइसिस। अब वो यही कह रहे हैं कि जो MSME है जो जॉब क्रिएट कर सकता है, आपको पता है 6.5 करोड़ के लगभग लघु और स्मॉल उद्योग यूनिट्स हैं पूरे देश में, जिनमें सिर्फ 2% जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, सिर्फ 2%, बाकी सब अनऑर्गेनाइज असंगठित हैं। अब ये क्यों नहीं संगठित हो सकते, ऐसा क्यों नहीं इकोसिस्टम बनाया जा सकता जिसमें ये 6.5 लाख, ये 6.5 करोड़ जो यूनिट हैं उद्यमी हैं, इनमें कम से कम 10% नहीं 1% भी आगे निकल पाए। अगर 1% भी आगे निकल जाते हैं तो 6.5 लाख हो जाते हैं। तो दुर्भाग्य है कि जो अभी भी जो ये सिस्टम बनाया है, इसमें जैसे बता रहे हैं कंस्ट्रेंट्स फॉर इंडियाज फॉर्मल एमएसएमई जॉब क्रिएशन इज ए हॉरिबल यूनिवर्स ऑफ रेगुलेटरी कोलेस्ट्रोल। 60,000 से ज्यादा कंप्लायंस चाहिए आइटम्स की, 3,300 एनुअल रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती है, 6,000 चेंजेस हर साल हो जाते हैं कानूनों में, और ये सब क्यों होते हैं, ये अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए, ये ब्यूरोक्रेट्स और ये पॉलिटिशियंस मिलके अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहते। एनीवे, कहने के लिए सब्जेक्ट ऐसा है, इतना विस्तृत तौर पे इस पे बोला जा सकता है, मेरे पास मैं अभी ज्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि पहले प्रोफेसर साहब भी बोल चुके हैं, पर एक बात है रोजगार वाली, अब इसको सुधारना है तो उसके लिए जो बेसिक चीजें हैं वो है कि जो एमएसएमई है इसको फॉर्मलाइजेशन किया जाए, असंगठित से इनको संगठित लाइन में लाया जाए, इनका फाइनेंशियलाइजेशन। अब मुद्रा जैसे इन्होंने स्टार्टअप स्टैंडअप मुद्रा ये बनाई तो है, अब पता नहीं कहां तक सक्सेसफुल होती है। और जो सबसे बड़ी बात है अर्बनाइजेशन, 53% परिवार देश के कृषि पे अभी भी आधारित है। क्यों, वहां पे क्या इनके पास रोजगार मिल रहा है, खाना पीना मिल रहा है, मजबूरी है, ये अर्बनाइजेशन क्यों नहीं हो सकता। आज बात होती है अर्बनाइजेशन को रोकने की, क्यों, क्योंकि पता है अर्बनाइजेशन होगा तो अवेयरनेस आएगी, अर्बनाइजेशन होगा तो गांव छोड़ के कौन आएगा जिसके पास जमीन नहीं है, जमीन किसके पास नहीं है, SC ST माइनॉरिटीज OBCs के नीचे वाले लोग, वही आएगा गांव छोड़ के और उन्हीं में से लोग पढ़ के आगे निकलेंगे। तो
तो उनके वो सारे रस्ते बंद कर दिए, इसके ऊपर मैं अपने पिछले भाषणों में बता चुका हूं कैसे कैसे इन्होंने किया है। तो सारी की सारी व्यवस्था ऐसी बनाई गई है कि जो यंग पॉपुलेशन हमारी है, हमारे लोगों की जो 85% बहुजन समाज की, वो आगे ना बढ़ पाए, वो शिक्षित ना हो पाए। अब स्किल्स के नाम पे हमारे यहाँ पे स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू किया गया, बोले कि हम 2 करोड़ लोगों को वो क्या स्किल्स डेवलप करेंगे। 2 साल के अंदर कुल 34 लाख लोगों को स्किल्स ये ट्रेनिंग दी गई है, पर 10 लाख को रोजगार मिला है। वो स्किल्स क्या है? वो स्किल्स है जिनका आगे आने वाले टाइम में सब खत्म हो जाने वाली है, कोई फायदा नहीं है इनका। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपको एक बताता हूँ, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी पॉलिटिकल वीकली में आया था। श्रीजिता चक्रवर्ती ने एक रिसर्च करी थी 1985-86 से लेकर 2009-2010 तक, इंडस्ट्रियल वेज जो है ना, औद्योगिक क्षेत्र में जो मजदूरी है, इसकी एनुअल जो औसत वृद्धि हुई थी 0.82% की, यानी 1% से भी कम। इसी दरमियान पर कैपिटा इनकम पूरे देश में बढ़ी थी 3.6%। जबकि लेबर प्रोडक्टिविटी है, यानी जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होती है टर्म, जो लेबर प्रोडक्टिविटी, ये इस दरमियान में 15.5% बढ़ी। तो ये जो बढ़ी हुई लेबर प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, इसका काफी सारा कारण तो टेक्नोलॉजी और ये मैकेनाइजेशन रहा होगा, पर कॉन्ट्रीब्यूशन तो लेबर का भी था ना। उस लेबर को क्यों नहीं उसका हिस्सा मिला? अगर उस लेबर को उसका हिस्सा मिलता तो वो लेबर उसका जो आर्थिक और शैक्षणिक स्तर कहां पे होता, आप सोच सकते हैं। और असली बात यह है कि 1985-86 में जहां से ये स्टार्ट होता है सर्वे, जो लेबर प्रोडक्टिविटी थी और जो ग्रॉस एवरेज वेजेस थी, ये दोनों समान थी, यानी एक एक लेवल पे थी। दीपक नैयर चीफ इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, इंटरव्यू दिया था इंडियन एक्सप्रेस को जुलाई 2016 में। उन्होंने क्या बताया, एग्रीकल्चरल सेक्टर में जीडीपी की ग्रोथ जो है, जीडीपी की ग्रोथ एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जो नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके मुकाबले कुल 10% रही है, और ये लगातार 25 सालों तक था आलम और है, अब तो और भी कम हो गया होगा। तो ये सारे जो स्थितियां मैंने आपको बताए, कुछ फैक्ट्स बताए हैं, ये काफी खतरनाक हैं। और दुर्भाग्य ये है कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, मैंने यहीं पे 2 साल पहले एक आपने सेमिनार करवाया था डेमोक्रेसी के ऊपर, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, तब मैंने बोला था कि जो डेमोक्रेसीज हैं पूरे वर्ल्ड के, जो लोकतंत्र है, इनको पूंजीपतियों ने हाईजैक कर लिया है, और इसीलिए जो भी पॉलिसीज बनेंगी वो इस हिसाब से बनेंगी कि जो मासिस हैं वो इनके लिए काम करें, जिंदा रहें काम करें, बाकी भगवान भरोसे। और वही हो रहा है। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा सॉल्यूशंस, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड विषय है, तो सॉल्यूशंस ऐसे आसानी से नहीं मिलते हैं, इसके लिए और किसी दिन सही। बहुत बहुत धन्यवाद।